हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, आज हम बनाएंगे जर्दा, जो कि पीले चावल भी जिसे कहा जाता है, और ये बना रहे हैं हम बैसाखी के शुभ अवसर पर। तो जिसके लिए लिए हैं हमने ये सूखा नारियल। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। मुझे नारियल गोला पसंद है तो मैं वो डालती हूँ। और 3 से 4 लिए हमने काली मिर्चें, और 4 लिए हमने ली हैं लौंग, और 1 लिए हमने मोटी इलायची, और ये 1 लिया है दालचीनी का टुकड़ा, और 2 लिए हैं हमने तेज पत्ता। और ये बासमती राइस को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद में इसको 10 से 15 मिनट तक हमने इसको भिगो के रखा है। तो इसका ये पानी जो है वो हम अब निकाल देंगे, और इसके साथ ही हम बनाते हैं इसका तड़का। ये देखिए, कुकर गर्म कर लिया हमने। हम इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून घी, और घी को अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। देखिए, घी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा हम डाल देंगे 1/2 चम्मच, और इसे भी अच्छी तरीके से भुनने देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको डालने हो। और मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले। ये देखिए, ये हमने ड्राई फ्रूट्स सारे ड्राई मसाले डाल दिए। और ये डाल देंगे हम गोला भी, नारियल, और आपको भी इसी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद में 1 से 2 मिनट, और फिर इसमें हम डाल देंगे ये चावल। ये देखिए, चावल हमने डाल दिए हैं। तो अभी इन्हें हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे हल्के हाथ से, ताकि ये चावल का दाना टूटे ना। तो ये देखिए, अब इन्हें हम अच्छी तरीके से भूनने देते हैं। ये देखिए, ये ले लिया हमने फूड कलर, ये हमने येलो फूड कलर लिया। आप कोई भी ले सकते हैं, बैसाखी है तो पीला रंग तो बनता ही है, तो हमने ले लिया है ये फूड कलर। ये देखिए, ये 1 से 2 मिनट हो चुके हैं अच्छी तरीके से भूनते हुए। ये देखिए, अब हम डाल देंगे इसमें ये फूड कलर। फूड कलर डालने के बाद में इसको अच्छी तरीके से एक बार मिला लेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आया है हमारे चावलों पर। ये देखिए, ये 1/2 कटोरी मैंने ले ली है चीनी, क्योंकि मीठा मैं कम ही रखूंगी। ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं, और इसके साथ ही हम इसको एक बार और अच्छी तरीके से मिला लेंगे, ताकि चावल और चीनी सभी अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाना है हमें। अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें पानी। तो चावल लिए हमने 1 कटोरी, तो हम इसमें डाल देंगे 1.5 कटोरी पानी। ये देखिए, ये डाल दिए हमने पानी, और इसे एक अच्छी तरीके से और मिलाते हुए अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 2 विसल आने तक। ये देखिए, ये हमारे मीठे चावल बनके तैयार हो गए हैं, और कितना अच्छा कलर आया इनका। और ये देखिए, एकदम खिले खिले हमारा जर्दा तैयार हुआ है। तो ये देखिए, यह हमारा जर्दा और पीले चावल बैसाखी के मौके पे हमने बनाकर तैयार करे हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और आपको एक बार फिर रमजान और बैसाखी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप इसे रमजान पे भी बना सकते हैं, और बैसाखी का तो मौका ही है इनको बनाने के लिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपको हमारा सबका नमस्कार।